ओके, सी मैथ फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग अलाउज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन थ्रू द फंक्शंस डिफाइंड इन द मैथ डॉट एच हेडर फाइल। द मैथ डॉट एच हेडर फाइल कंटेन्स वेरियस मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज स्क्वायर रूट, पावर, सील, फ्लोर एक्सेट्रा। सी मैथ फंक्शंस क्या होते हैं कि हमारे पास एक ऐसी हेडर फाइल्स अवेलेबल होती है जिसको हम लोग मैथ डॉट एच बोलते हैं, जैसे एस टी डी आई ओ डॉट एच, कोन आई ओ डॉट एच, ठीक है, ये सारे हेडर फाइल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके साथ में हम लोग अगर एक और हेडर फाइल यूज़ करें मैथ डॉट एच, तो इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग को कुछ एक फंक्शंस पहले से हम लोग को अवेलेबल मिलते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, सील हो गया, फ्लोर हो गया, ये सारे फंक्शंस हम लोग को पहले से मिलते हैं। अगर हम लोग एस टी डी आई ओ डॉट एच यूज़ करते हैं तो वहाँ से हम लोग को जैसे स्कैन एफ प्रिंट एफ मेथड मिलता है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग को मैथ डॉट एच हम लोग एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं, उसके साथ में हम लोग को कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक फंक्शंस दिए हुए, चार पांच फंक्शन दिए हुए, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। देर आर वेरियस मेथड इन math.h हेडर फाइल। सबसे फर्स्ट आता है सील। सील और यहाँ पे हम लोग एक नंबर पास करते हैं। अब ये सील क्या करता है, राउंड्स अप द गिवन नंबर। हम लोग यहाँ पे जो नंबर पास करेंगे उसको क्या करेगा, राउंड अप कर देगा। इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये एक ऐसा नंबर रिटर्न करेगा जिसके थ्रू जो मतलब या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। मीन्स अगर मान के चलो 10.6 हम लोग लेते हैं तो उसको राउंड अप कर देगा 11 में, ठीक है, मतलब या तो उसके इक्वल देगा। अगर 10.3 है तो वैल्यू 10 देगा, अगर 10.6 है तो प्लस 1 कर देगा उसमें। तो इस प्रकार से वहां पे हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी। सेकंड आता है फ्लोर। यहाँ पे भी हम लोग एक नंबर पास करते हैं, राउंड्स डाउन द गिवन नंबर। राउंड्स डाउन, इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। हम लोग क्या करते हैं, like अगर वैल्यू हमारे पास 10 पॉइंट समथिंग है या फिर 9.8 है, ठीक है, या फिर चलो 10.2 हम लोग ले लेते हैं, 10.2 है तो उसको क्या कर देगा, फ्लोर करेगा, मतलब कम करेगा वैल्यू, मीन्स क्या करेगा उसको 10 कर देगा, ठीक है। अगर 10.5 तक है तो उसको वो 10 कर देगा। देन उसके बाद आता है स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी हम लोग नंबर पास करेंगे, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। यहाँ पे स्क्वायर रूट हम लोग को रिटर्न करेगा। देन उसके बाद यहाँ पावर, ठीक है, पावर जैसे हम लोग निकालते हैं, एक बेस रहता है उसका एक्सपोनेंट होता है, जैसे 2 to the power 2 हम लोग को निकालना है, तो बेस उसका 2 है और जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। रिटर्न्स द पावर ऑफ ए गिवन नंबर। देन उसके बाद फिफ्थ आता है एब्सोल्यूट, ठीक है, ए बी एस, और यहाँ पे हम लोग इसमें नंबर इनपुट देते हैं, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए गिवन नंबर। यहाँ पे हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 5 फंक्शन अवेलेबल है जो कि मैथ डॉट एच हेडर फाइल्स के अंदर में हम लोग को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच यहाँ पे हमने ऐड किया है एक हेडर फाइल्स। देन उसके बाद आते हैं मेन फंक्शन पे, यहाँ पे प्रिंट एफ हमने यूज किया, सभी वैल्यू इंटीजर में ही हम लोग को रिटर्न करके मिलेगी, सॉरी फ्लोट में हम लोग को मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे परसेंट एफ यहाँ पे ले लिए। देन उसके बाद लगाए हैं सील 3.6। सील करेंगे इसका मतलब क्या होगा, अगर 3.6 है तो उसको कर देगा राउंड अप और कर देगा 4, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट देखने मिलेगा 4। देन उसके बाद सेकेंड है सील 3.3। अब सील 3.3 भी यहाँ पे लिखा है उसको भी कर दे रहा है 4, ठीक है, मतलब उसको एक बढ़ा देगा। अगर 3.1 भी होगा तो उसको 4 कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सील परफॉर्म करते। अब आते हैं फ्लोर पे।
फ्लोर दिया हुआ है 3.6, 3.6 दिया मतलब उसको डाउन करेगा, राउंड्स डाउन करेगा, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिलेगी 3। देन उसके बाद फ्लोर 3.2, ठीक है 3.2 भी होगा तो उसको राउंड्स डाउन कर देगा, 3 कर देगा। देन उसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ 16, यहाँ पे हमने दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालें तो हम लोग को आउटपुट में मिलेगा 4। देन उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 7, 7 का क्या मिलेगा 2.64 समथिंग कुछ हम लोग को मिलेगा। देन आता है पावर, ठीक है POW हम लोग इसको लिखते हैं, और 2 टू द पावर ये है 4, ठीक है 2 टू द पावर 4 क्या होगा 16 हो जाएगा। 2 को अगर हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 16 मिलेगा। वैसे यहाँ पे पावर 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 27। देन उसके बाद एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में चेंज करता है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू एक दे देंगे, सेम हम लोग क्या करेंगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे विद एब्सोल्यूट फंक्शन। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट से हम लोग जो भी वैल्यू यहाँ इनपुट देंगे नेगेटिव में उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा -12 का 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मैथ फंक्शन। हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम। ओके तो हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम। नहीं, बहुत अच्छे। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मैथ फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। देन उसके बाद एक और हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे हैश इंक्लूड math.h। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main, void main में आ जाते हैं और यहाँ हम लोग लास्ट लिखते हैं get ch। और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज डिफाइन फाइन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ printf स्टेटमेंट लेंगे। और सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन लिख देता हूँ clrscr। ठीक है प्रिंट एफ और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ स्लैश एन परसेंट एफ। हम लोग फ्लोट में वैल्यू लेंगे और यहाँ सबसे पहले मैं फंक्शन ले रहा हूँ सील, CEIL सील, और यहाँ पे सेम मैं वही वैल्यू दे रहा हूँ 3.6, 3.6 मैंने डाल दिया। ठीक है एक एक करके हम लोग रन करके देखते जाते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ math.c नाम से और इसको हम लोग करते हैं कंपाइल और इसको एक बार कर देते हैं रन, तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट मिल जाएगा 4.000। ठीक है देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रिंट एफ, सेकेंड हम लोग वैल्यू इनपुट देते हैं स्लैश एन परसेंट एफ, देन उसके बाद यहाँ लिखेंगे सी ई आई एल सील, देन उसके बाद यहाँ पे दे दे रहा हूँ 3.2। अब यहाँ पे भी इसको रन जब करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 4। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं ठीक है, तो यहाँ पे हमने रन किया और देखा कि हम लोग को वैल्यू 4 ही मिल रही है। ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लोर पे प्रिंट एफ और यहाँ डबल कोट्स में हम लिखेंगे स्लैश एन परसेंट एफ और यहाँ पे हम लोग देते हैं फ्लोर और वैल्यू हम लोग दे देते हैं 3.6, 3.6 हमने यहाँ पे दे दिया है और इसमें इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अरे वैल्यू कैसे 0 आ गई अचानक से,
एप्लीकेशन का, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन स्क्वायर रूट पे। मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, या मैं इसमें डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ इंसर्ट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं SQRT। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मैं निकाल रहा हूँ 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4। ठीक है, देन उसके बाद एक और हम लोग निकाल लेते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट SQRT, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7। 7 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2.64 समथिंग कुछ हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग करते हैं पावर, पावर POW, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 to power 4, तो कितना मिलेगा, 16 हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 16.000। तो ये हम लोग का स्क्वायर पावर निकल गया। देन उसके बाद हम लोग एक और बार पावर निकाल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग POW, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 3.3। ठीक है, 3 to power 3 हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ पे कंपाइल किया मैंने, और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 3 to power 3 27 हम लोग को मिल रहा है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट पे, प्रिंट एफ एब्सोल्यूट हम लोग यहाँ लिख लेंगे ABS, और यहाँ पे मैं देता हूँ -25 वैल्यू देता हूँ, और इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम लोग को 00 मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग इसमें %D लगाते हैं, %D, देन उसके बाद कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं इसको, तो हम लोग को 25 मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा मैथ फंक्शन, जिसमें हम लोग एक एडिशनल हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं math.h, और हम लोग को इतने सारे यहाँ पे फंक्शन मिल जाते हैं। टोटल 5 फंक्शन हम लोग को इसके अंदर मिल जाते हैं, सील, फ्लोर, स्क्वायर रूट, पावर और एब्सोल्यूट।